Veena in chapter 5 of your science book, Separation of Substance. Our first topic is mixture. What is mixture? Mixture kya hai? It is a substance that contains two or more pure substance in a variable composition or proportion. Mixture are heterogeneous. Okay? Example of mixture, air. Hawa mein, air is a mixture of oxygen, carbon dioxide, nitrogen. Sea water is a mixture of salt and water. ऐसे बहुत सारे examples हम ले सकते हैं mixture की, जहाँ two or more substance एक साथ रहते हैं. Sand अगर आप देखें तो उसमें छोटे छोटे आपको pebbles मिलेंगे, ठीक है ना, soil भी होगी, तो बहुत सारी चीज उसमें mix हुई भी रहेगी, तो sand is also a mixture. Pure substance. A substance made up of one kind of particle and we can say one kind of atom or molecules, pure substance are homogeneous. Now, homogeneous, पहले तो pure substance में क्या आ सकता है, जैसे gold, silver, ठीक है, ये pure substance है. अब pure substance में water भी pure substance है. अब हमारे पास आता है कि difference क्या है. आप होमोजीनियस और मैंने हेट्रोजीनियस दो वर्ड यूज किए हैं. मैंने कहा है कि मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनियस है और प्योर सब्सटेंस जो है वो होमोजीनियस है. तो क्या डिफरेंस है दोनों में? सपोज करो आप वाटर ले लें और उसमें कुछ फूड कलर डाल दें, कोई भी रंग डाल दें जो खाने में यूज करते हैं. थोड़ी देर बाद आप देखोगे पानी जो है बिल्कुल जो भी आपने फूड कलर डाला उसके जैसा हो गया, और आप उसमें से वाटर और फूड कलर को सेपरेट नहीं कर सकते. दोनों बिल्कुल यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गए, एक समान क्या बन गए, सब्सटेंस बन गए हैं. तो ये कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर. दूसरा हेट्रोजीनियस आप इस तरीके से समझ सकते हो, आप एक गिलास ले लो पानी का, पानी डालिए उसमें और उसमें टेलकम पाउडर यू डाल दीजिए. थोड़ी बात देर बाद आप देखोगे तो आप उसमें से टेलकम पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा, और आप इजीली उसमें से क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो कि इसमें पानी भी है और टेलकम पाउडर भी है. इट मीन्स ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो हमने पढ़ा कि मिक्सचर क्या होता है और प्योर सब्सटेंस क्या होता है. तो अगर डिफरेंस करना पड़ा तो प्योर सब्सटेंस इज ए कंपोजिशन ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस और वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. किसका कंपोजिशन है? केवल एक प्रकार के पार्टिकल्स का कंपोजिशन है. एंड मिक्सचर इज ए कंपोजिशन ऑफ टू एंड मोर सब्सटेंस और मोर पार्टिकल. दो या दो से अधिक पार्टिकल का कंपोजिशन क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है. हमने ये भी पढ़ा कि मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है ना, और प्योर सब्सटेंस जो है वो होमोजीनियस होता है. प्योर सब्सटेंस आर होमोजीनियस एंड मिक्सचर आर हेट्रोजीनियस. जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट होता है, फिक्स पॉइंट होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. जैसे कि वाटर प्योर सब्सटेंस था, 100 डिग्री पे वो क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट है उसका, ठीक है ना. तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डेफिनेट होता है, फिक्स होता है. जबकि मिक्सचर का बॉइलिंग और डेफिनेट पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होता है, वो डेफिनेट नहीं. ये था डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस. अब बहुत सारी चीज़ें मिक्सचर हैं और हमारे को बहुत ज़रूरी है कि हम उसको सेपरेट करें, लेकिन क्यों जरूरत पड़ी? व्हाई वी सेपरेट ए सब्सटेंस इन मिक्सचर इज नेसेसरी? क्या ये जरूरी है सेपरेट करना? बहुत जरूरी है. सपोज करो आपके घर पे आपके राइस है और उसको बनाने से उसमें छोटे छोटे स्टोन्स हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम उस स्टोन्स को क्या करें, उसमें से सेपरेट करें पकाने से पहले. नहीं तो क्या होगा, वो हमारे पेट में जाएंगे और हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है. इसी तरीके से जब
क्रूड ऑयल जानते हो तेज होता है, जिससे हम पेट्रोल डीजल कैरोसिन मिलता है, जब वो बाहर आता है तो वो यूजलेस होता है और बहुत गाढ़ा होता है, बहुत थिक होता है, उसमें से एक स्मेल भी आती है बहुत गंदी सी और कोई काम का नहीं। लेकिन जब हम उसको सेपरेट करते हैं, उसमें से डीजल अलग निकालते हैं, पेट्रोल अलग निकालते हैं, कैरोसिन अलग निकालते हैं और ये तीनों ही चीज़ें, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट निकालते हैं और ये सब चीज़ें क्या होती है, अलग अलग वर्क में काम आती है। जैसे कि पेट्रोल कार चलाने के काम आता है, डीजल बड़ी बसेस जो हैं, ट्रक्स हैवी इंजन जो होते हैं, हैवी इंजन वाली कार्स उनको चलाने के काम आता है डीजल कारों में, कैरोसिन कुकिंग के काम आता है, आता है ना कि भाई फ्लेम जलाने के काम आता है जिससे खाना पक सके, एज ए फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं। तो सेपरेशन के बाद हमने उसको क्या कर लिया, यूज़ में ले लिया। इसी तरीके से सी वाटर, सी वाटर इज ऑल्सो ए मिक्सचर। अब सी वाटर को हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उसमें से सॉल्ट और वाटर अलग अलग निकाले, क्योंकि सी वाटर में बहुत ज़्यादा क्या है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट का हम अलग से यूज़ कर सकते हैं और सी जो वाटर है अगर उसमें से सॉल्ट बाहर निकाल लें तो हम उसको, वो हमारे लिए हेल्दी है। अगर हम सॉल्ट वाला वाटर पियेंगे तो वो हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इस तरीके से हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम क्या करें, मिक्सचर में से सब्सटेंस को सेपरेट करें। अब मेथड ऑफ सेपरेशन, अब मेथड कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि सॉलिड से सॉलिड को सेपरेट करना, ठीक है। मेथड ऑफ सॉलिड सेपरेशन में सॉलिड टू सॉलिड, हमारे पास सॉलिड है और उसी में से हमें सॉलिड निकालना है। बहुत सारे मेथड आपको पता भी है, बुक में है। फर्स्ट मेथड इज विनोइंग, फर्स्ट मेथड इज विनोइंग। अब व्हाट इज विनोइंग, आपने देखा होगा कि गेहूं में से भूसे को अलग करने के लिए, ठीक है ना, जब गेहूं निकलता है उसमें से भूसे को अलग करने के लिए हस्क जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ग्रेन गेहूं है, चावल है, उसको अलग करने के लिए आपने देखा होगा कई बार आपको मशीनें आती है, लेकिन फिर भी कि हम क्या करते हैं, छलनी लेते, बड़ा सा छालना लेते हैं, उसको हिलाते हैं हवा में, तो जो हैवी मटेरियल होता है वो तो वहीं रुक जाता है, जो लाइट होता है वो उड़ के दूर चला जाता है। तो विनोइंग करते हम ग्रेन में से क्या निकालना, हस्क निकालना, ठीक है ना, ग्रेन में से क्या निकालना, हस्क निकालने के लिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर ही यूज होता है जहाँ पर अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल मिक्स हो रखे हों, कुछ हैवी हों और कुछ लाइट वेट के हों, ठीक है ना। जैसे कि हस्क जो होता है बहुत लाइट होता है, कई बार आपने घर पे भी देखा होगा आपकी मदर जो है वो गेहूँ साफ करती है, तो गेहूँ को साफ करने के लिए जो लाइट पार्टिकल है उनको हवा में क्या करती है, इस तरीके से हिलाती है, जिससे क्या होता है, गेहूँ अलग रह जाता है और वो लाइट पार्टिकल जो है वो उड़ के दूर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है विनोइंग। और क्या कंडीशन है विनोइंग के लिए, पार्टिकल्स जो हैं अलग अलग वेट के होने चाहिए, लाइट और हैवी पार्टिकल्स होने चाहिए, मीन्स उनकी डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए, तब हम करते हैं विनोइंग। इसी तरीके से आता है हैंड पिकिंग, दूसरा मेथड है सॉलिड को सॉलिड से अलग करने का, हैंड पिकिंग। ये तो आपने बहुत बार देखा है घर पे, मदर खाना बनाने से पहले दाल चावल इन सबको साफ करती है, उसमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, पत्थर है, दूसरी और चीज़ें, उनको उसमें से अलग करती हैं। तो ये हो गई आपकी हैंड पिकिंग। डर्ट है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनको दूर करने के लिए हैंड पिकिंग की जाती है। थर्ड मेथड आता है थ्रेसिंग। जब हम थ्रेसिंग कब की जाती है, जब अनाज को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, जब अनाज को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ग्रेन्स उसमें से अनाज बाहर निकालते हैं, ग्रेन को बाहर कर लेते हैं, तो वो कहलाती है थ्रेसिंग। जैसे गेहूँ निकालते हैं, बाजरा निकालते हो, दूसरी और चीज़ें निकालते हो, तो आजकल तो क्या आती है, मशीनें आने लगे, थ्रेसर बोलते हैं। लेकिन कई बार, और कई बार आपने यहाँ भी देखा होगा गांव में आप रहते हो, जब बहुत थोड़ा सा कुछ चीज़ निकलता है, अनाज बहुत थोड़ा सा खेतों से निकलता है, हमारे से
ग्रेन को सेपरेट कर लेती है, ये भी थ्रेसिंग का तरीका है। या कई बार उसको क्या करते हैं, बार बार कूटते हैं किसी चीज़ से, बार बार मारते हैं किसी चीज़ से, और उससे भी जो है ग्रेन्स जो है अपने प्लांट से बाहर आ जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है थ्रेसिंग, मैनुअल भी होती है और थ्रेसर द्वारा भी होती है, मशीनें द्वारा। नेक्स्ट है सीविंग, ये भी आपने देखा होगा घरों पे छलनी का यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ सीविंग जो है हम कब करते हैं, जब पार्टिकल के साइज डिफरेंट रहते हैं। आटे को आपने देखा होगा, आटे को छानने के लिए हम छलनी का यूज करते हैं, वहाँ पर जो आटा है उसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं और जो उसमें क्या है चाप है, जो चोकर है उसमें उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, वो रुक जाते हैं। तो ये प्रोसेस हम अपनाते हैं जब पार्टिकल्स क्या हो डिफरेंट साइज के हो। तो ये प्रोसेस थे, ये हमने मेथड पढ़े जब हमें अनडिजायरेबल चीज किसी चीज में से हटानी हो, एक सब्सटेंस में से दूसरा सब्सटेंस सेपरेट करना हो, दोनों ही सॉलिड हो, तो हम इन मेथड्स का यूज करते हैं। वैसे एक मेथड और है, इसमें दिया नहीं है, हम मैग्नेट का भी यूज कर लेते हैं कभी कभी आयरन की चीज़ों को अलग करने के लिए, ठीक है ना। उसमें हम क्या करते हैं मैग्नेट मैग्नेटिक सेपरेशन का भी यूज करते हैं, लेकिन आपने भी कभी एक बार है सॉलिड टू सॉलिड को सेपरेट करने के लिए। विनोइंग किस कंडीशन में होता है, जब पार्टिकल जो है अलग अलग डेंसिटी के हों, जैसे मैंने बताया कि हम हस्क और ग्रेन को अलग करते हैं, वी में से भूसा अलग करना, हेड पिकिंग जब हाथ से बहुत कम, जब क्या होता है पार्टिकल्स जो है एक तो उनकी अमाउंट कम हो, जो पार्टिकल्स हमें अलग करना है, सपोज करो पत्थर अलग करने हैं राइस में से वीट में से, तो वहाँ पार्टिकल्स पत्थर बहुत थोड़े से बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनको हम हेड पिकिंग द्वारा भी दूर कर सकते हैं। थ्रेसिंग जब हम ग्रेन्स को उसके प्लांट से अलग करते हैं, वहाँ थ्रेसिंग मैनुअली भी करते हैं और थ्रेसर का यूज भी करते हैं। सीविंग जब पार्टिकल अलग अलग साइज के हों तो उनको हम सीविंग द्वारा सेपरेट करते हैं। ये फोर मेथड आपके कोर्स में है पार्टिकल्स को सेपरेट करने के, सॉलिड टू सॉलिड। इसको रिवाइज कीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।